हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अप्रैल फर्स्ट वीक के। तो हमारी पहली न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है स्कोप ऑफ ECLGS फॉर द MSME फॉर 1 ईयर टिल 31 मार्च 2023। देखो, ये ECLGS क्या है वो आपने सुना होगा। उसका नाम जब कोविड शुरू हुआ था, जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया गया था 2 लाख करोड़ का, ओके, उसका फुल फॉर्म है इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। जब कोविड शुरू हुआ था 2020 के अंदर, तब ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2 लाख करोड़ के इनिशियल बजट के ऊपर, राइट। तो पहले हम उस स्कीम के बारे में बात करते हैं कि इस स्कीम एक्चुअली है क्या। ECLGS की बात करें तो एक्चुअली जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तब बहुत सारी MSMEs ने लोन लेके रखे थे, बराबर, लोन लेके रखे थे कोविड से पहले, राइट। फॉर एग्जांपल कोई MSME है, MSME का मतलब आप जानते हो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। कोई MSME है, उसने 10 करोड़ का लोन लेके रखा है बैंक से, राइट, 10 करोड़ का लोन लेके रखा है, ओके। अभी ये कोविड की पहले की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, उसने 5 करोड़ तक का तो पेमेंट, लोन का जो रीपेमेंट होता है वो सही टाइम पे कर दिया। बाकी कितना अमाउंट बचा? 5 करोड़। बाकी बचा 5 करोड़, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कहलाया जाता है, राइट। अभी तुरंत कोविड आ गया, बराबर, तो अभी उसका जितना बाकी का रीपेमेंट है ना, अभी कोविड आने की वजह से लॉकडाउन वगैरह हो गया, तो बिजनेस पूरा सा कम हो गया MSME का, तो ये लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऐसी MSMEs की जो ये पेंडेमिक्स कंडीशन की वजह से लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, तो उनका जितने भी लोन जो उन्होंने कोविड से पहले लिए हुए थे, उनका जितना भी आउटस्टैंडिंग बाकी है ना, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना है 5 करोड़ रुपीस, उसमें से 40% तक, 5 करोड़ का 40% तक उनको फिर से लोन मिलेगा। 5 करोड़ का 40% कितना होता है? 2 करोड़, राइट। तो 2 करोड़ तक का उनको फिर से लोन मिल सकता है। जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है, उतना अमाउंट का 40% तक उनको फिर से लोन मिल सकता है। और ऐसा ही नहीं कि ये जो 2 करोड़ मिला तो उनका जो ये पैसे से ये रीपेमेंट कर लेना, ऐसा नहीं है। और प्लस ये 40% तो मिलेगा, प्लस 1 साल का मॉरिटोरियम, मॉरिटोरियम का नाम सुना होगा, मॉरिटोरियम और कुछ भी नहीं कि जो रीपेमेंट आप EMI में करते हो, वो कुछ समय के लिए वो EMI आपके डिले हो जाते हैं कुछ कंडीशन की वजह से, राइट। तो गवर्नमेंट ने मॉरिटोरियम दे दिया कि भाई आपको ये लोन का जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है, आप उसका 40% ले सकते हो, उसके ऊपर फिर से लोन ले सकते हो। और हाँ, वो पैसे का आपको EMI अभी जो पिछली लोन थी आपके, वो EMI बनने में नहीं लगाने, आपके बिजनेस में डालो और आपके बिजनेस को फिर से एस्टैब्लिश करो, ओके। और आपको एक साल के बाद इस लोन के EMI बनने हैं। तो 1 साल तक आपको जो EMI नहीं बने, उसको बोलते हैं मोरेटोरियम, राइट। तो ये स्कीम थी, उसका नाम था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS, राइट। वो जब स्टार्ट हुई थी, अब यहाँ पे देख सकते हो कि मई 2020 में वो स्टार्ट हुई थी, और उसका इनिशियल कॉर्पस कितना था? 2 लाख करोड़। जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो लॉन्च किया गया था 2 लाख करोड़ का, मतलब वही, हाँ, उसी के अंडर में स्कीम लॉन्च की गई थी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, कि जो स्ट्रेस्ड MSME है उनको इमरजेंसी में क्रेडिट दिया जाएगा, बराबर, जितना उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है उसका 40%। लेकिन यहाँ पे 40% जो अमाउंट है, ये जो 40% अमाउंट है वो सभी सेक्टर के लिए नहीं, उस सेक्टर के जो, फॉर एग्जांपल ट्रैवल, टूरिज्म, राइट, और एविएशन सेक्टर, ये जो 3 ऐसे सेक्टर है कि जो कोविड के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने इन 3 सेक्टर्स के अंदर 40% की जगह उनको बोला कि भाई आप जो, अगर इन सेक्टर के अंदर कोई MSME काम कर रहा है, तो आपको 40% नहीं, आपको 50% तक का आउटस्टैंडिंग अमाउंट मिलेगा, राइट, मतलब इनको ज़्यादा लोन मिलेगी, राइट। तो ये पूरी स्कीम थी जो मैंने आपको समझा है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो कोविड के टाइम पर चालू की गई थी। स्टार्टिंग उसका 2 लाख करोड़, मतलब जब तक 2 लाख करोड़ नहीं होगा, जब तक 2 लाख करोड़ का लोन नहीं दिया जाएगा, तब तक ये स्कीम चालू रहेगी। फिर धीरे धीरे उसका ये अमाउंट बढ़ाया गया, 2 लाख के बाद 3 लाख करोड़ किया गया,
यस देखो यहाँ पे 3 लाख करोड़ किया गया, उसके बाद 4.5 लाख करोड़ किया गया। और अभी करंट सिचुएशन क्या है, अभी करंट सिचुएशन ये है कि और 50 हज़ार करोड़, और 50 हज़ार करोड़ बढ़ाया गया है, करोड़ से और साढ़े चार अभी लाख करोड़ से 5 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ ये उसका जो कॉर्पस अमाउंट है, मतलब जब तक 5 लाख करोड़ का लोन नहीं दिया जाएगा पूरे इंडिया के अंदर, तब तक ये स्कीम चालू रहेगा। और ये टारगेट रखा है कि हम 31 मार्च 2023 तक 5 लाख करोड़ तक का ये इस स्कीम के अंदर, इवन से क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंदर में हम ले पाएंगे, राइट। तो ये पूरा स्कीम था जो मैंने आपको समझाया, करंट न्यूज़ तो इतनी ही थी कि जो ये इवन से क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो MSMEs के लिए है वो और 1 साल एक्सटेंड की गई है, और उसका जो कॉर्पस अमाउंट जो 4.5 लाख करोड़ था वो 50 हज़ार करोड़ और बढ़ाया गया है, और 5 लाख करोड़ रखा गया है। ओके तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। यस और ये जो स्कीम है वो कौन इंप्लीमेंट करती है इंडिया के अंदर, तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ये संस्था ये स्कीम को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कर रही है, राइट। जो ये नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर में काम करती है, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट न्यूज़। यस सर, हमारी सेकेंड न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली RBI ने रिड्यूस किया है वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट, वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट फॉर द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज टू ₹47,010 करोड़। ओके देखो सबसे पहले बात तो ये वेज एंड मीन्स एडवांस क्या है, वेज एंड मीन्स एडवांस की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो उससे पहले आपको ये तीन चीज़ समझनी है कि स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, वेज एंड मीन्स एडवांस WMA और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये तीन चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है, तभी आपको ये न्यूज़ समझ में आएगी, राइट। तो सबसे पहले हम ये तीन चीज़ें क्या है, ये तीन टर्म्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो ओके फॉर एग्जांपल आप सबको पता होगा शायद कि अगर जिस तरीके से हर एक बैंक को RBI के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी प्रॉफिट का, अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज, उसी तरह हर एक स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इन्वेस्ट करने के तीन तरीके हैं, एक तो हाँ गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉन्ड GRB, गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉन्ड, ओके, ट्रेजरी बिल, नाम सुना होगा ट्रेजरी बिल, ओके, और एक तीसरा है फंड, तीसरा है गवर्नमेंट रेगुलेटेड फंड GRF, गवर्नमेंट रेगुलेटेड फंड, राइट। ओके ये तीन इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तब ये या तो बॉन्ड इश्यू करेगा, या तो ट्रेजरी बिल इश्यू करेगा, या तो फंड इश्यू करेगा। फंड की बात करूँ जैसे कि कोविड की शुरुआत हुई तब कैसे PM केयर फंड लॉन्च किया गया, जब भी हाँ पैसे के डोनेशन की रिक्वायरमेंट होती है तब गवर्नमेंट फंड इशू करता है। ओके अगर गवर्नमेंट को 1 साल से ज़्यादा की पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो बॉन्ड इशू करेगा, अगर गवर्नमेंट को 1 साल से कम की पैसे की रिक्वायरमेंट है तो ट्रेजरी बिल इशू करेगा, और जब उसको कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डोनेशन की रिक्वायरमेंट है तो फंड इशू करेगा, राइट। ओके भी फॉर एग्जांपल आपको आपने कभी भी FD के ऊपर लोन लिया होगा शायद, कि FD जितनी अमाउंट की है आप उतने अमाउंट तक की लोन ले सकते हो बैंक के अंदर, आपको FD को विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम होते हैं। ओके और हाँ ठीक है, तो मतलब ये आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसने अमाउंट तक का आपको लोन चाहिए तो वो इसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल ये तीनों चीज़ के अंदर मिला के कितने 100 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो अगर उसको 100 करोड़ तक की लोन चाहिए, 100 करोड़ तक की लोन चाहिए, तो उस लोन को क्या बोला जाएगा, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी SDF, उस लोन को बोला जाएगा SDF, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। ओके हाँ अभी ये 100 करोड़ को अगर मैं बाइफरकेट करूँ, अगर ये 100 करोड़ में से ये 60 करोड़ इन दोनों गवर्नमेंट रेगुलेटेड बोर्ड और ट्रेजरी बिल के अंदर इन्वेस्ट किए गए हैं, और 40 करोड़ रुपीज़ ये फंड के अंदर इन्वेस्ट किए फॉर एग्जाम्पल, राइट। ओके तो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी मतलब मैंने 100 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया है, मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये तीन चीज़ों के अंदर मिला के टोटल 100 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया है, और वो स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि उसको 100 करोड़ तक की ही लोन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, जितना उसने इन्वेस्ट किया है उतने अमाउंट तक ही लोन चाहिए, तब ये
लोन का SDF बोला जाएगा, राइट, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। अभी उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, वो कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल किस स्टेट गवर्नमेंट को उसने जितना अमाउंट गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉन्ड और ट्रेजरी बिल के अंदर, गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉन्ड और ट्रेजरी बिल के अंदर इन्वेस्ट किया है, जितना अमाउंट, ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 60 करोड़ है, ये 60 करोड़ के ऊपर उसको लोन चाहिए, तो ये लोन उसको कितने इंटरेस्ट पे मिलेगी, रेपो रेट -1% के इंटरेस्ट पे मिलेगी। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट को उसने जितना अमाउंट गवर्नमेंट रेगुलेटर फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे 40 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया, अगर 40 करोड़ तक की लोन चाहिए तो उसको उसके लिए कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, रेपो रेट -2%, रेपो रेट -2%। अभी मैं आपको रेपो रेट समझाता हूँ कि रेपो रेट क्या है। हाँ, आपको शायद पता भी होगा कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट एक्चुअली रीपर्चेस एग्रीमेंट है, रीपर्चेस एग्रीमेंट है कि फॉर एग्जांपल कि कोई बैंक को, कोई बैंक को RBI अचानक कैश की रिक्वायरमेंट हो गई, बैंक को अचानक कोई कैश की रिक्वायरमेंट हो गई, तो वो RBI से कैश के लिए कैश मांगेगा RBI से। तो RBI कोई भी लोन, कोई भी बैंक, RBI तो क्या, कोई भी बैंक कोई भी लोन किसी को भी विदाउट कोलेटरल नहीं देता। तो RBI क्या कहता है बैंक्स को कि भाई तुमके कैसे चाहिए, कैश चाहिए तो मैं आपको कैश तो दे दूंगा, राइट, लेकिन आपको मेरे पास आपका कुछ गिरवे रखना पड़ेगा। वो और बैंक RBI के अंदर क्या गिरवे रखती है, बैंक के पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ट्रेजरी बिल्स है, कॉमर्शियल पेपर्स हैं, जितने भी जो जो कैश में कन्वर्ट किया जा सकते हैं, लेकिन अभी उसको इमरजेंसी में कैश रिक्वायर है, राइट। तो RBI क्या करेगी कि अरे बैंक क्या करती है कि RBI मेरे पास इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, वो आप गिरवे रखो उतने ही अमाउंट की है जितना मैं आपको लोन, आपसे लोन लेना चाहता हूँ, जितना मैं आपसे कैश लेना चाहता हूँ, राइट। तो आप ये आपके पास रखो और मुझे अभी जस्ट कैश दो उसके बिहाफ में। तो ये हुआ, हाँ, जब मेरी कैश की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी, जो मेरे पास कैश की क्रंच हो गया, मतलब कैश अवेलेबल होगा सफिशियंट मात्रा में, तब मैं आपको कैश वापस लौटा दूंगा, आप मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस दे देना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉमर्शियल पेपर, मतलब जो पेपर्स वगैरह हैं वो आप मुझे वापस दे देना। तो बैंक और RBI के बीच में ये रीपर्चेस एग्रीमेंट होता है, मतलब बैंक RBI को सिक्योरिटीज़ देते हैं और RBI बैंक को कैश देता है, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट RBI बैंक के ऊपर लगाता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट का फुल फॉर्म है रीपर्चेस एग्रीमेंट, आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो ये रेपो रेट अभी कितना चल रहा है, 4%, रेपो रेट अभी कितना चल रहा है, 4% चल रहा है। तो ओके, तो ये जो अगर आपने कोई स्टेट गवर्नमेंट ने फंड के अंदर जो इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर उसको पैसा चाहिए, तो रेपो रेट -2%, मतलब 2% इंटरेस्ट रेट लगेगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को उसने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल के अंदर जितना, मतलब बॉन्ड और ट्रेजरी बिल के अंदर जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर लोन चाहिए, तो STF उनको मिलेगा रेपो रेट -1% के ऊपर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और बहुत सारे फाइनेंशियल आर्टिकल्स आप जब पढ़ोगे एडिटोरियल सेक्शन को पढ़ने के लिए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी ये सब बहुत काम में आता है, ये जो थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, है ना, तो ये करंट अफेयर्स में तो आएगा ही आएगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, फाइनेंशियल आर्टिकल्स पढ़ने में भी आपको बहुत काम में आएगा, राइट। ओके, तीसरा पॉइंट है, हाँ, अभी स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के बारे में आपको पता चल गया होगा, राइट। अभी हम बात करते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस की, जो करंट न्यूज़ है, वेज एंड मीन्स एडवांस। ओके, अभी ये कब पिक्चर में आता है कि अगर कोई, हमने बात की कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और वो स्टेट गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट उसने 100 करोड़ का किया है और उसको पैसा चाहिए 200 करोड़ एज अ लोन। ओके, उसको पैसा चाहिए 200 करोड़, राइट, इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का किया है और उसको पैसा चाहिए कितना, 200 करोड़ का। अभी 100 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ तक का अमाउंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को STF के अंदर में दे देगी, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के अंदर, लेकिन बाकी के 100 करोड़ का क्या, बाकी के 100 करोड़ का क्या, वो तो इन्वेस्ट भी नहीं किया उस गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी जेब में से निकलना पड़ेगा, इसके लिए उसका नाम दिया है एडवांस, वेज एंड मीन्स एडवांस, बराबर ना। तो ओके, तो ये जो 100 करोड़ है, एस फॉर एग्जाम्पल एक ये स्टेट को 100 करोड़ एज ए वेज इन मीन्स एडवांस मिला, क्योंकि देखो 200 करोड़ की लोन चाहिए थी लेकिन उसमें 100 करोड़ तो उसने इन्वेस्ट करके रखे थे, तो इसलिए ये 100 करोड़ तो उसको STF के अंडर में मिल गए, राइट। लेकिन जो बाकी के 100 करोड़ है
200 करोड़ की लोन दी गई थी, उसमें 100 करोड़ तो उसने इन्वेस्ट करके रखे थे, लेकिन इसलिए उसको 100 करोड़ तो एसटीएफ के तौर पे मिल गए, लेकिन जो बाकी के 100 करोड़ हैं वो तो गवर्नमेंट को अपनी जेब में से देने पड़ेंगे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, राइट? तो कितना WMA हो गया, जो एसटीएफ के ऊपर जो आपको मिलता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको मिलता है वो हो गया WMM, वेस इन मीन एडवांस। जिस तरह से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपये एज ए वेस इन मीन एडवांस मिला है, आपके न्यूज़ के अंदर क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट को मैक्सिमम कितना वेस इन मीन एडवांस मिल सकता है अभी? 47,010 करोड़, 47,010 करोड़ रुपया मैक्सिमम कोई एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से एज अ वेज एंड मीन्स एडवांस ले सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को इतना अमाउंट मिलेगा, ये क्रेडिट स्कोर जैसा होता है, जिसकी पास्ट की रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छी हो तो उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसकी पास्ट की रीपेमेंट हिस्ट्री कम हो उसको कम मिलेगा, जितने जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट के अंदर उसको ज़्यादा मिलेगा, जितने जिस जो स्टेट गवर्नमेंट जितना कम इन्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उसको कम मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना मिल सकता है तो इतना, 47,010 करोड़। आई थिंक समझ में आया होगा, ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल कितना बजट रखा है कि वो टोटल कितना वेज एंड मीन एडवांस देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, टोटल सभी स्टेट को मिला के 1,50,000 करोड़, 1,50,000 करोड़ सभी स्टेट को मिला के इतना वेज एंड मीन्स एडवांस का टारगेट रखा गया है, और एक स्टेट पर्टिकुलर में मैक्सिमम कितना दे सकता है, कितना ले सकता है? 47,010 करोड़। ओके ओके, अगर आप ये WMA जो आपने लिया कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से, अगर उसका रीपेमेंट उसने 3 मंथ के अंदर ही कर दिया, बराबर 3 मंथ के अंदर, सॉरी 3 मंथ के अंदर ही कर दिया, तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? रेपो रेट जितना, मतलब 4%। अगर उसने वो जो WMA के अंदर उसने जितना भी लोन लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसका रीपेमेंट उसने 3 मंथ के बाद किया, तो उसको कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा? रेपो रेट प्लस 1%। ओके, तो आई थिंक आपको वेज एंड मीन एडवांस समझ में आया होगा। ओके, और एक टर्म बाकी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उसको मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है। ओवरड्राफ्ट का वैसे आपने नाम सुना होगा, ओवरड्राफ्ट, यस, बैंक के अंदर एक लोन का एक टाइप है ओवरड्राफ्ट, ओडी। ओके, फॉर एग्जांपल कोई स्टेट गवर्नमेंट ने, कोई स्टेट गवर्नमेंट को 1,50,000 करोड़ रुपीस के, 1,50,000 करोड़ रुपीस के रिक्वायरमेंट है, कोई स्टेट गवर्नमेंट को 1,50,000 करोड़ रुपीस के रिक्वायरमेंट है, और वो स्टेट ने सेंटर गवर्नमेंट के अंदर, यस, सेंटर के अंदर कितना इन्वेस्ट करके रखा है? 30 करोड़, 30,000 करोड़, राइट? सेंटर के अंदर उसने इन्वेस्ट कितना करके रखा है? 30,000 करोड़। तो मुझे बताओ कि एक स्टेट गवर्नमेंट को जिसको 1,50,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और उसको 30,000 करोड़ की उसने इन्वेस्ट करके रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो जो 3 चीज़ें थी, तो मुझे बताओ कि उसको मैक्सिमम SDF के अंदर कितना पैसा मिलेगा, स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी के अंदर? 30,000 करोड़, राइट? ओके ओके, बाकी उसके ऊपर जो लो उसको मिलेगा वो किसके अंदर मिलेगा? WMA के अंदर, वेज एंड मीन्स एडवांस के अंदर, और वेज एंड मीन एडवांस के लिए मैक्सिमम एक स्टेट को कितना मिल सकता है? 47,000 करोड़, 47,000 करोड़। ओके, ये वेज एंड मीन्स एडवांस के लिए कोई एक पर्टिकुलर स्टेट को इतना मिल सकता है, बराबर, उसके अंडर में लोन, राइट? ये कितना हो गया? 77,000 करोड़। अभी कितना बाकी है? 73,000 करोड़ जो बाकी है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नहीं देगी? ये अमाउंट भी देगी अगर बहुत ख़राब परिस्थिति, बहुत वो स्टेट गवर्नमेंट बहुत डिजास्टर से जूझ रहा है, तो ये भी देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, राइट राइट, ठीक है। तो ये अमाउंट किससे, किसके अंडर में आएगी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगर आपकी वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट ख़त्म हो जाती है, उसके बावजूद आप उसके ऊपर भी जो लोन लेते हो वो आती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मुझे बताओ कि आपके वेज एंड मीन्स एडवांस कितना था? 47,000 करोड़। और ये 47,000 करोड़ का 100% कितना होता है? 47,000 करोड़। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर वेज एंड मीन्स एडवांस के 100% से ज़्यादा है तो आपको कितना रेट के ऊपर मिलेगा पैसा? रेपो रेट प्लस 5%। और अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे 73,000 करोड़ की जगह अगर 43,000 करोड़ होती, 43,000 करोड़ मतलब वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट है जो आपके उससे 100% से कम है, राइट? तो
आपको कितने रेट के ऊपर पैसा मिलता, रेपो रेट प्लस 2% के ऊपर। ओके तो समझ में आ रहा है, ये तीनों टर्म स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, वेज एंड मीन एडवांस और ओवरड्राफ्ट के बारे में आपको समझ में आया होगा, बराबर। ओके अपनी रिसेंट न्यूज़ तो इतनी ही थी कि अभी रिसेंटली आरबीआई ने रिड्यूस किया है वेज एंड मीन एडवांस लिमिट फॉर द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज टू ₹47,010 करोड़। ये जो कोविड के सिचुएशन में क्या था, ये अमाउंट 51,560 करोड़। मतलब जब कोविड की सिचुएशन थी, जब सेकेंड वेव चल रहा था, तब ये लिमिट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को मैक्सिमम 51,560 करोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी ये लिमिट कम कर दी गई है। रिसेंट न्यूज़ इतनी है, लेकिन आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट टीम वेयर क्राउन एज द चैम्पियन ऑफ द 2022 ICC वुमेन्स क्रिकेट। ओके देखो, एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट का अभी समापन हुआ है कि ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप, ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप, राइट। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप सबसे पहले तो कहाँ पे हुआ था, न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था। ओके उसके अंदर फाइनल में कौन कौन आया था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। फाइनल में कौन कौन आया था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, राइट। ये दो टीम फाइनल में आई थी। ओके और वर्ल्ड कप किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया ने। और अब कितनी बार ये जीता, 7th टाइम, राइट। देखो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी रिसेंटली ICC वुमेन वर्ल्ड कप जो हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था, वो कहाँ पे हुआ, न्यूजीलैंड के अंदर। फाइनल इन दोनों टीम के बीच में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, राइट। और ये जीता किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। और ये ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार ये वर्ल्ड कप जीता है। ओके ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे 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 अगर पढ़ें कि वुमेन ऑफ द अरे सॉरी परफॉर्मेंस ऑफ द टूर्नामेंट, एलिजा हेली, एलिजा हेली बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द हिस्ट्री टू स्कोर अ सेंचुरी इन द सेमीफाइनल एंड द फाइनल ऑफ द सेम वर्ल्ड कप। यस, ये जो खिलाड़ी है एलिजा हेली, जो ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम से बिलोंग करती है, बैट्समैन है, सी इज़ द फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री टू स्कोर अ सेंचुरी। वुमेन भी नहीं, मैन भी नहीं, फर्स्ट ओवरऑल क्रिकेटर, फर्स्ट ओवरऑल क्रिकेटर ऑल कैटेगरी की हम बात करें तो फर्स्ट क्रिकेटर इन द हिस्ट्री टू स्कोर अ सेंचुरी इन द सेमीफाइनल एंड फाइनल ऑफ द सेम वर्ल्ड कप। कि अभी तक वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के अंदर अलग अलग बहुत लोगों ने सेंचुरी मारी होगी, लेकिन दोनों के अंदर सेंचुरी मारने वाली पहले खिलाड़ी है, राइट। इट इज़ अ फिफ्थ टाइम दैट द ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम हैव लिफ्टेड द ट्रॉफी स्टेइंग अनडिफीटेड थ्रू आउट द टूर्नामेंट। टोटल 7 बार उन्होंने ये टूर्नामेंट जीती है, लेकिन 5वीं बार 1978, 1982, 1997, 2005 एंड 2022, ये 5वीं बार ऐसा एक ऐसी घटना हुई कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर वो अनडिफीटेड रहे हैं 5वीं बार, राइट। 7 बार उन्होंने टोटल टूर्नामेंट जीती है ये वाली वर्ल्ड कप की, बराबर। ओके आगे उसके थोड़ी सी फैक्ट्स के बारे में बात करें। ओके कि परफॉर्मर ऑफ द टूर्नामेंट जो एलिजा हेली है, जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, राइट। ओके उन्होंने टोटल 509 रन मारे 9 मैचेस के अंदर। सी इज़ अ फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ 500+ रन इन अ सिंगल एडिशन ऑफ द वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप, राइट। के वुमेन की जो जितने भी अभी तक वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें 500 से ज़्यादा रन मारने वाली वो पहली खिलाड़ी बनी, वुमेन क्रिकेटर बनी, कि एक ही टूर्नामेंट में उन्होंने 500 से ज़्यादा रन मारे हैं, राइट, एलिजा हेली। ओके ओके ये जो रशेल हैनीज ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने 497 रन मारे हैं इसी टूर्नामेंट के अंदर। इट इज़ द सेकेंड हाइएस्ट टैली इन द 2022 वुमेन्स वर्ल्ड कप, राइट। ओके ऑल्सो एलिजा हेली हैज़ बीन नेम एज अ प्लेयर ऑफ द मैच फॉर द स्कोरिंग 170 रन ऑफ 138 बॉल्स एंड इट स्टैंड एज द हाइएस्ट स्कोर इन द फाइनल ऑफ द एनी ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप इन बोथ मेन्स और वुमेन्स कैटेगरी, राइट। कि एडम गिलक्रिस्ट की, जो उन्होंने 2007 के अंदर 149 रन मारे थे श्रीलंका के खिलाफ फाइनल्स के अंदर, उनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। एक और इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड एलिजा हेली ने तोड़ा है कि उन्होंने जो फाइनल के अंदर 170 रन मारे, अभी तक एडम गिलक्रिस्ट, आपने नाम सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के ही विकेट कीपर थे, उन्होंने 149 रन मारे थे श्रीलंका के खिलाफ फाइनल के अंदर 2007 के अंदर, राइट। और उनका रिकॉर्ड अभी तोड़ा है कि इंग्लैंड के खिलाफ 170 रन उन्होंने फाइनल में मारे वर्ल्ड कप के, राइट। ओके एंड सोफिया एक्सेलस्टोन जो इंग्लैंड की है, वो नेम इज द हाइएस्ट विकेट टेकर फॉर क्लेमिंग द 21 विकेट्स इन द 9 मैचेस, बराबर। कि सोफी
एक्सेल स्टोन जो इंग्लैंड की है, वॉज नेम एज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर द क्लेमिंग द 21 विकेट्स इन द 9 मैचेस। उन्होंने 21 विकेट्स ली 9 मैचेस के अंदर। तो परफॉर्मेंस ऑफ द टूर्नामेंट्स की बात की हमने यहाँ पे। ओके, और कुछ रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स बाय द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की हम बात करें, राइट, तो उन्होंने भी कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि जोरन गोस्वामी ऑफ द इंडिया बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द वर्ल्ड कप टूर्नामेंट मेकिंग ओवरऑल ऑफ 43 विकेट्स। कि जोरन गोस्वामी ये पर्टिकुलर एक वर्ल्ड कप की बात नहीं, अभी तक के जितने भी वर्ल्ड कप उन्होंने खेले हैं, मतलब इंडिया की तरफ से कोई एक पर्टिकुलर वुमेन ने खेले हैं, उसमें सबसे ज़्यादा विकेट वर्ल्ड कप के अंदर किसने लिए हैं? जोरन गोस्वामी जो बॉलर है बहुत ही फेमस, राइट। ओके, 43 विकेट्स लिए उन्होंने अभी तक। ओके, जोरन गोस्वामी अचीव्ड दिस विथ 40 विकेट्स इन द 31 मैचेस बींग ऑस्ट्रेलिया स्लिंग फुल स्टोन्स 39 विकेट्स इन द वुमेन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। अभी तक ऑस्ट्रेलिया की लिन फुलस्टोन ने वुमेन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के अंदर 39 विकेट्स का उनका रिकॉर्ड था, और जैसे 40 विकेट जोरन गोस्वामी ने लिए तभी उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, राइट। तो ये जो एक वर्ल्ड कप के अंदर नहीं, अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप के अंदर, मतलब वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जोरन गोस्वामी के पास है, जो हमारे इंडियन बॉलर है, तो प्राउड की बात है, राइट। ओके, यस, इंडियन वुमेन्स टीम ओडीआई कीपर मिताली राज ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट मैचेस कैप्टन 24 मैचेस इन द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। अभी तक आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा मैच में कैप्टनशिप करने वाली कौन बनी? मिताली राज, 24 मैचेस के अंदर, सरपासिंग द फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन काउंटर पर बिलिंडा क्लर्क। जो वुमेन की बात करें, बिलिंडा क्लर्क जो पहले ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन थी, उन्होंने 23 मैचेस के अंदर कैप्टनशिप की थी वर्ल्ड कप के। यहाँ पे इंडिया की मिताली राज ने 24 मैचेस के अंदर कैप्टनशिप की है वर्ल्ड कप के, राइट। मिताली राज बिकम द थर्ड क्रिकेटर इंक्लूडिंग द मेन्स एंड वुमेन्स इन द फर्स्ट वुमेन टू प्ले इन 6 ODI वर्ल्ड कप्स। 6 ODI वर्ल्ड कप, आपको पता होगा कि एक वर्ल्ड कप 4 साल के बाद आता है, तो 6 ODI वर्ल्ड कप खेलने वाली वो ओवरऑल मेंस और वुमेन्स के अंदर, वुमेन्स के अंदर तो पहली है, लेकिन मेंस और वुमेन्स के ओवरऑल कैटेगरी के अंदर वो थर्ड क्रिकेटर बने मिताली राज, जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद और सचिन तेंदुलकर, राइट, उन्होंने अभी तक 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। ओके, तो इतने फैक्ट्स आपको आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट की, जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था न्यूजीलैंड के अंदर, उसमें से याद रखना है। आईसीसी की बात करें तो उसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आईसीसी का 1909 के अंदर, और उसका हेडक्वार्टर है दुबई, UAE। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो लॉन्च की गई थी 2016 के अंदर, उसकी 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है। 6th एनिवर्सरी, ओके, अभी एनिवर्सरी कौन सी है वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन स्कीम के बारे में, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है क्या, वो इम्पोर्टेंट है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम कम्प्लीट्स अ 6 ईयर्स सिंस इट्स लॉन्च, 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। ओके, और अभी तक ये स्कीम के अंडर में 30,160 करोड़ की लोन अभी तक सेंक्शन की गई है टू मोर देन 1,33,995 अकाउंट्स अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इन द 6 ईयर्स, राइट। तो 30,000 करोड़ तक की लोन अभी तक इस स्कीम के अंडर में हम दे चुके हैं। ओके, और स्टैंड अप इंडिया स्कीम को एक्सटेंड किया गया है 2025 तक, 2025 तक उसको एक्सटेंड किया गया है। ओके, सबसे पहले तो हम बात करें कि इस स्कीम एक्चुअली है क्या, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, राइट। तो इट इज़ अ स्कीम, पहले तो ये स्कीम कौन से मिनिस्ट्री की है, तो डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2016 के अंदर, राइट। और ये स्कीम के अंदर में क्या किया जाता है कि जो जितने भी इंडिया के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन इंटरप्रीनर्स है, वुमेन इंटरप्रीनर्स राइट, अगर उनको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन इंटरप्रीनर्स को गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम दस लाख टू 1 करोड़ तक की लोन मिलेगी, 1 करोड़ तक की लोन मिलेगी इस स्कीम के अंडर में, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर में, राइट। हाँ, ठीक है, मिनिमम 10 लाख से मैक्सिमम 1 करोड़ तक की लोन मिलेगी अगर आपको कोई नया बिजनेस चालू करना है तो, यस, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर। और अभी तक हम इस स्कीम के अंदर में 30,000 करोड़ रुपया सेंक्शन कर चुके हैं लोन अमाउंट, राइट। अभी आप की एलिजिबिलिटी क्या है कि इस स्कीम के अंदर में आप लोन को अवेल कर सको, उस एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी ये है कि सबसे पहले तो आपकी, जिसके नाम के ऊपर आपको लोन लेना है उसकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड, कि
फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मल्टीपल लोग ने साथ में मिलके पार्टनरशिप के अंदर ही वो बिज़नेस खोला है, तो जिसके नाम के ऊपर वो आप लोन ले रहे हो ये बिज़नेस खोलने के लिए, उसका स्टेक मिनिमम कितना होना चाहिए? 51%। ओके, तीसरी बात, जिसके नाम के आप लोन ले रहे हो बराबर, वो उन्होंने कभी भी पास्ट के अंदर कोई लोन अकाउंट उनका डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब एनपीए नहीं होने चाहिए उनके नाम पे ऊपर, राइट? ये तीसरी एलिजिबिलिटी है। और चौथी ऐसी है कि आप किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए लोन ले सकते हो, तो कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोन ले सकते हो। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो मैं बात करूँ, एक तो होता है ग्रीनफील्ड और एक होता है ब्राउन फील्ड, और एक होता है ब्राउन फील्ड। यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? ग्रीनफील्ड के अंदर क्या होता है कि एक आपके पास जैसे एक लैंड का टुकड़ा है, आपको पूरा बिजनेस नए से सिरे से बनाना है और रन करना है। और ब्राउनफील्ड क्या होता है कि आपको एक बनाए बनाए कुछ चीज़ मिल गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने सभी एयरपोर्ट्स अंबानी को ने अदानी को लीज़ के ऊपर दे दिए 50 साल के लिए, तो ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। अदानी को जस्ट मॉडिफाई करना है मेथड्स के अंदर, राइट? बाकी उसको सभी एयरपोर्ट्स तो मिल गए हैं। हाँ, रेलवे ने तेजस एक्सप्रेस तेजस बनाई, मतलब कुछ ट्रेन रेलवे ने प्राइवेटाइज कर दी, तो राइट, तो ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, जस्ट आपको मॉडिफाई करना है। लेकिन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है कि पूरा आपको एस्टैब्लिश करना होता है, राइट? तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ग्रीनफील्ड होना चाहिए, ब्राउनफील्ड नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये लोन मिलेगी स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर में, राइट? तो आई थिंक आपको ये न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। अभी रिसेंटली एक 17th मीटिंग हुई बिम्स्टेक की, एक जिस तरीके से G20, ब्रिक्स, राइट, ब्रिक्स ये सब अपने ग्रुप का नाम सुना होगा, उसी तरीके से बिम्स्टेक भी एक ग्रुप है। उसका नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, राइट, बिम्स्टेक। उसकी एक 17th मीटिंग हुई मिनिस्टर लेवल के ऊपर, और वो इंडिया की तरफ से किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया? हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का नाम क्या है? एस जयशंकर के द्वारा ये मीटिंग के अंदर इंडिया के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, राइट? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट करंट न्यूज़ इतनी है कि अभी रिसेंटली 17th जो बिम्स्टेक ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी, उसमें इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था? तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। ओके, अब ये मीटिंग कहाँ से कहाँ हुई थी? एक्चुअली वर्चुअली हुई थी, लेकिन चेयर्ड बाय द श्रीलंका, क्योंकि बिम्स्टेक की 2022 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? श्रीलंका के पास है, राइट? हर एक ग्रुप की प्रेसिडेंसी उसकी जो मेंबर कंट्रीज होती है वो बारी बारी से एवरी ईयर वो रोटेट करते रहते हैं, राइट? तो इस बार 2022 की प्रेसिडेंसी बिम्स्टेक की किसके पास थी? श्रीलंका के पास। ओके, यस, अभी ये जस्ट ग्रुप बनाया गया है फॉर द कोऑपरेशन, आपको यहाँ पे लिखा हुआ होगा कोऑपरेशन, कोऑपरेशन के लिए। किसके अंदर कोऑपरेशन के लिए? चलो हम देखते हैं। देखो, आप यहाँ पे फिगर के अंदर देखते होगे, ये बिम्स्टेक ग्रुप है पूरा, ये पूरा बिम्स्टेक ग्रुप है, राइट? बिम्स्टेक ग्रुप उसका फुल फॉर्म ही है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब जो बे ऑफ बंगाल का जो ये पार्ट है उसके आसपास के जितने भी कंट्रीज है उसका ग्रुप है बिम्स्टेक। टोटल 7 कंट्रीज का ग्रुप है बिम्स्टेक, राइट? ओके, टोटल ये जितनी कंट्रीज है 7 कंट्रीज, वो अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड की टोटल 22% पॉपुलेशन ये 7 कंट्री कैरी करती है। उनकी जीडीपी अगर कंबाइंड जीडीपी की बात करें सातों सात कंट्रीज़ की, तो उनकी कंबाइंड जीडीपी कितनी है? 2.7 ट्रिलियन डॉलर। ओके, एंड थर्ड पॉइंट कि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स क्रॉस द बे एवरी ईयर। ये जो बे ऑफ बंगाल ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1/4 टोटल जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वर्ल्ड के अंदर, उसमें से 1/4 ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से पास होते हैं। इसलिए इस इन ग्रुप के अंदर कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। इन ग्रुप के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, वरना ये ट्रेडिंग रुक जाएगी, राइट? तो ये बिम्स्टेक ग्रुप बनाने का मेन पर्पस यही है कि ये जो बे ऑफ बंगाल के जो आसपास के जो कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन बना रहे। यस, बिम्स्टेक की जो फर्स्ट समिट थी वो थाईलैंड के अंदर हुई थी, और अभी जो करंट चेयर है बिम्स्टेक के वो कौन है? श्रीलंका। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिम्स्टेक ग्रुप की फर्स्ट समिट कहाँ पे हुई थी? थाईलैंड के अंदर। अभी करंट चेयर कौन है? श्रीलंका के अंदर, राइट? उसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है, राइट? और ये बिम्स्टेक ग्रुप कब फाउंड हुआ था? 1997 के अंदर, और
यस, बैंकॉक डिक्लेरेशन। अभी हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कशन किया था कि जो भी ग्रुप का जो भी कंट्री के अंदर मीटिंग होता है, उस कंट्री की जो फॉर एग्जांपल ब्रिक्स की जो हेड क्वार्टर है इंडिया के अंदर, वो न्यू दिल्ली के अंदर है, राइट। तो ब्रिक्स की अगर इंडिया के अंदर मीटिंग होगी तो उसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बोला जाता है, राइट। तो उसी तरह थाईलैंड के अंदर जो भी डिक्लेरेशन दिया गया था 1997 के अंदर, जब बिम्स्टेक का ग्रुप का एस्टैब्लिशमेंट का डिसीजन लिया गया, तो उस डिक्लेरेशन को बोला जाएगा बैंकॉक डिक्लेरेशन, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जस्ट रिसेंट न्यूज़ तो इतनी है कि बिम्स्टेक ग्रुप की मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हुई थी, और उसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने, राइट। ओके, तो यस, बाकी मैंने आपका पूरा बिम्स्टेक के बारे में पूरा समझा लिया है। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स टू बी सेटअप इन द कंट्री। टोटल 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि पूरे नए एयरपोर्ट्स। देखो, टोटल दो टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया कि ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड मतलब जस्ट हमारे पास लैंड है, उसके ऊपर हमको पूरा बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, राइट। और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट किसको बोला जाता है कि हमारे पास बनाए बनाए प्रोजेक्ट आ गया है, जस्ट हमको उसके अंदर मॉडिफाई करना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने अदानी ग्रुप को पूरा जो एयरपोर्ट है वो 50 साल के ऊपर लीज के ऊपर दी थी, वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। अदानी ग्रुप उसके अंदर जस्ट मॉडिफाई करेगा, राइट। लेकिन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स मतलब पूरे नए एयरपोर्ट्स बनाने हैं। टोटल 21 इस साल का टारगेट रखा गया है कि 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाने जाने वाले हैं कंट्री के अंदर। वो कौन सी पॉलिसी के अंदर बनाए जाने के वाले हैं? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी 2008। ये जो पॉलिसी है वो कौन सी स्कीम के अंडर में है? ये जो पॉलिसी है वो कौन सी स्कीम के अंडर में है? तो हम बात करें उड़ान, उड़ान उड़ी देश का आम नागरिक। आपने एक स्कीम के बारे में सुना होगा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी 2008, वो उड़ान स्कीम के अंडर में है। ओके, और उसी पॉलिसी के अंडर में टोटल 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाने वाले हैं इस साल इस कंट्री के अंदर, वो टारगेट रखा गया है, राइट। और कौन कौन सी जगह पे बनाए जाने वाले हैं उसका भी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है आपको। ओके, तो उसके पहले हम सबसे पहले बात करें कि उड़ान स्कीम क्या है। उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, वो कब लॉन्च किया गया था? 2016 के अंदर। और वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है? जितेंद्र सिंधिया, राइट। तो उड़ान स्कीम 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की वो स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक। इट इज़ अ एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, राइट। ओके, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? कि टू डेवलप द रीजनल एविएशन मार्केट और टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल, इकोनॉमिकली वायबल एंड प्रॉफिटेबल एयर ट्रैवल ऑन द रीजनल रूट्स टू द कॉमन मैन इवन इन द स्मॉल टाउन्स। देखो, उड़ान स्कीम का मेन पर्पस ही ये है कि जो छोटे छोटे शहर हैं कि जहाँ पे एयरपोर्ट है लेकिन वहाँ पे एक से ज़्यादा फ्लाइट नहीं रन कर रही है, तो उस एयरपोर्ट को बोलेंगे हम अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट। और जहाँ पे एयरपोर्ट है लेकिन वहाँ पे कोई भी फ्लाइट नहीं आ रही है तो वो बोलेंगे अनसर्व्ड एयरपोर्ट। तो जितने भी कंट्री के अंदर अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, बराबर, उनको डेवलप करना ये स्कीम का मेन पर्पस है, राइट। जितने भी कंट्रीज के अंदर अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं उनको डेवलप करना, और जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है कि जहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहाँ पे एयरपोर्ट नया बनाना। तो इस स्कीम का मेन उद्देश्य है कि रीजनल कनेक्टिविटी करना, छोटे छोटे शहरों में से भी फ्लाइट उड़नी चाहिए, राइट। तो यस, ओके, तो उसकी फीचर्स की बात करें, द स्कीम इन्वेस्टर प्रोवाइडिंग द, मैंने आपको बोला ना, कनेक्टिविटी टू द अनसर्व्ड एंड द अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स, राइट। ओके, ये स्कीम पूरे 10 साल की है, 2026 के अंदर वो एंड होगी, राइट। ओके, और ये फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा फ्रॉम द सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर्स आर एक्सटेंड टू सिलेक्टेड एयरलाइंस टू इनकरेज द ऑपरेशंस फ्रॉम द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स एंड कीप द एयरलाइंस अफोर्डेबल। ओके, अभी देखो, कौन चाहेगा कि जहाँ पे कौन कौन सी एयरलाइन ऐसी चाहेगी कि जहाँ पे ज़्यादा पैसेंजर नहीं मिलते तो हम वहाँ पे एयरलाइंस क्यों दौड़ाएँ, राइट। लेकिन ये स्कीम के अंडर में कि जो अनसर्व और अंडरसर्व एरिया के अंदर एयरलाइंस को ऑपरेट करेगा उनको स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के द्वारा। ओके, तो क्योंकि यस, कि अगर आप फ्लाइट को रन करोगे तभी उसके अंदर पैसेंजर आएगा ना। आप ऐसा सोचोगे कि पैसेंजर नहीं आते तो हम फ्लाइट को क्यों रन करवाएं, राइट। तो यस, एयरलाइन ऑपरेटर्स को इनकरेज करने के लिए उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा कि भाई आप इस जगह से आप फ्लाइट्स रन कीजिए, राइट। ओके, आगे बात करें,
कि अभी तक उड़ान स्कीम के अंदर कितनी अचीवमेंट हुई है टोटल, जब से उड़ान स्कीम 2016 के अंदर लॉन्च हुआ तब से लेके आज तक 387 नए रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं और 60 एयरपोर्ट्स को डेवलप किया गया है। 60 एयरपोर्ट्स हैव बीन ऑपरेशनलाइज, 2016 से अभी तक 60 एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज किया गया है और अभी इस साल का टारगेट रखा गया 21 एयरपोर्ट्स नए बनाने का, राइट। ओके, उड़ान के बहुत सारे पार्ट्स हैं। उड़ान 1.0 जब हाँ उसको लॉन्च किया गया था तब उसका नाम है उड़ान 1.0। उसमें 5 एयरलाइंस के द्वारा टोटल 128 रूट्स के ऊपर फ्लाइट रन की जाती थी और 70 एयरपोर्ट को कवर किया गया था। उड़ान 2.0 की बात करें, उड़ान 2.0 2018 के अंदर लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। उसमें टोटल 73 अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट को कवर किया गया और उसमें हेलीकॉप्टर को भी कनेक्ट किया गया। उड़ान स्कीम के अंदर हेलीपैड को भी कनेक्ट किया गया, एयरपोर्ट तो थे ही पहले लेकिन अभी हेलीपैड्स को भी कवर किया गया उड़ान स्कीम के अंदर, उड़ान 2.0 के अंदर, राइट। फिर उड़ान 3.0 की बात करें, उड़ान 3.0 हाँ कि उसमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दोनों को एक साथ मतलब इंक्लूड किया गया। इंक्लूड कैसे, कनेक्ट किया गया कि जितने भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है ना उसको उड़ान स्कीम के अंडर में ले लिया गया कि मतलब टूरिज्म डेस्टिनेशन का टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स का यूज़ करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले कि उनको कोई एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर जाना है और ऐसा ना हो कि वहाँ पे फ्लाइट ना जाती हो, राइट। तो जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के अंदर वो हम तो उनको कनेक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने पार्टनरशिप कर ली, राइट। फिर पहली बार सी प्लेन्स को भी इंक्लूड किया गया उड़ान स्कीम के अंदर, ये उड़ान 3.0 के अंदर, राइट। और उड़ान 3.0 के अंदर ही बहुत सारे नंबर ऑफ रूट्स आइडेंटिफाई किए गए इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो इंडिया का सबसे अनडेवलप्ड रीजन माना जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ रूट्स फॉर द फ्लाइट्स वो आइडेंटिफाई किए गए उड़ान 3.0 के अंदर। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हाँ, और अब उड़ान 4.0, उसके बाद आया उड़ान 4.0 कब आया, 2020 के अंदर। उसमें 78 नए रूट आइडेंटिफाई किए गए, राइट। ओके, देन उड़ान 4.1 की बात करें तो उड़ान 4.1 के अंदर सागरमाला सी प्लेन सर्विस को भी इंक्लूड किया गया। सागरमाला सी प्लेन सर्विस क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी जो केवड़िया कॉलोनी से जो साबरमती रिवर जो सी प्लेन सर्विस होती है, ऐसी बहुत सारी सी प्लेन सर्विसेज होती है कि जहाँ पे जस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया गया एक सिंपल, हाँ, तो उसको भी अब उड़ान स्कीम के अंदर कनेक्ट किया गया उड़ान 4.1 के अंदर। ओके, फिर उसके बाद दो इम्पोर्टेंट उड़ान के पार्ट्स लॉन्च किए गए, एक तो कृषि उड़ान और एक है इंटरनेशनल उड़ान। कृषि उड़ान क्या है कि अभी तक फार्मर्स को कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं थी कि कौन से एयरपोर्ट से हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए अगर हमको एयरलाइन के थ्रू एक्सपोर्ट करना है, हाँ, फार्मर्स को, राइट। लेकिन कृषि उड़ान के थ्रू के ऐसे एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया कि जहाँ से फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। और इंटरनेशनल उड़ान कि जो स्मॉल सिटीज़ के अंदर से भी इंटरनेशनल फ्लाइट को रन किया जाएगा, इसलिए हाँ जो स्मॉल सिटीज़ के ऐसे एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डेवलप किया जाएगा। तो ये दो, कृषि उड़ान और इंटरनेशनल उड़ान 2020 के अंदर लॉन्च किए गए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ये पूरा उड़ान स्कीम के बारे में मैंने आपको समझाया कि और ये उड़ान स्कीम के अंदर में एक पॉलिसी है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी और उसी के अंडर में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इस साल बनाए जाने वाले हैं, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये मैंने आपको ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाया था कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, राइट। तो उसके बारे में हमने समझा था, है ना। ओके, चलो नेक्स्ट, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली डिमांड हो रही है बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा कि उनको चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम वापस, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस चाहिए। सबसे पहले तो न्यूज़ क्या है कि मेनी स्टेट्स आर डिमांडिंग टू रिस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम एंड रोल बैक द नेशनल पेंशन सिस्टम, राइट। कि जो अभी जो पेंशन सिस्टम चल रहा है नेशनल पेंशन सिस्टम को, वो सब स्टेट्स ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि उनको वापस ले लो और हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, राइट। तो बहुत सारी स्टेट्स, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, आसाम है, राइट, उन्होंने कमेटी भी फॉर्म कर ली है क्योंकि उनको नेशनल पेंशन सिस्टम नहीं चाहिए, उनको ओल्ड पेंशन सिस्टम चाहिए, राइट। तो और ये इंडिया के अंदर जो ये नेशनल पेंशन सिस्टम जो संस्था इम्प्लीमेंट करवाती है उस संस्था का नाम क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो नेशनल पेंशन सिस्टम को इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करवाती है, राइट। और हाँ, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, ये पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है। तो अभी ये दोनों स्कीम क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी और नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है,
हम उसके बारे में समझते हैं, राइट। जो ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी, ओके, सबसे पहले वो हम समझते हैं। ये देखो, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको ओपीएस भी बोला जाता था, राइट। उसके अंदर क्या था फ्रेंड्स कि फॉर एग्जांपल कि आपकी सैलरी जब आप रिटायरमेंट होने वाले थे तब आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया है, ओके। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर क्या था कि जो आपका जब रिटायरमेंट के टाइम जितनी सैलरी थी आपको उसका 50%, आपको उसका 50% एज अ सैलरी मिलेगा, एज अ पेंशन मिलेगा 50%, मतलब कितना मिलेगा 25,000 जो रिटायर हुआ है उसको। और आपके जाने के बाद, मतलब आपके गुजर जाने के बाद जो आपके स्पाउस और आपके जो डिपेंडेंट है, मेनली स्पाउस ही है, राइट, उनको ये पेंशन का 50% मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा 12,500, राइट। तो ये एक स्कीम थी ओल्ड पेंशन स्कीम। और एक अजीब सी बात ये थी और एक अच्छी बात ये थी, अजीब सी तो नहीं, अच्छी बात ये थी कि आपको ये पेंशन के लिए कुछ आपकी सैलरी में से कटता नहीं था, राइट। ये पूरा पेंशन का बर्डन गवर्नमेंट अपने सिर के ऊपर उठा रही थी, ओके। तो इसलिए 2004 के अंदर गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे ऊपर पेंशन की लायबिलिटी बहुत बढ़ जा रही है, क्योंकि अगर कोई एवरेज पर्सन 60 साल के अंदर रिटायर होता है और वो अगर 80 साल तक उसकी लाइफ एक्सटेंड होती है तो 20 साल तक ये पूरा उसका पेंशन का बोझ गवर्नमेंट के सिर पर आता है, राइट। क्योंकि हाँ, 50% सैलरी और उनके गुजर जाने के बाद भी 50% पेंशन के 50% उनके स्पाउस को देना, ये पूरा पेंशन का बर्डन अकेले गवर्नमेंट के ऊपर आता था, राइट। तो गवर्नमेंट ने 2004 के अंदर ये ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने सोचा एक नई पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की बात, राइट। और वो नई पेंशन स्कीम कौन सी थी, नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है फ्रेंड्स, ये उसके अंदर ये सेम जो ईपीएफओ का जो मैकेनिज्म है ना उसके ऊपर ही काम करता है। उसके अंदर है ना कि आपकी सैलरी के जो आपकी सैलरी मंथली सैलरी आती है बराबर, उसमें से 10% ये पर मंथ, 10% पर मंथ ये नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर जो फंड, एक टाइप का फंड ही है, तो ये फंड के अंदर जमा होगा। ये फंड के अंदर जमा हुआ पैसा एक फंड मैनेजर के द्वारा कोई ऐसी स्कीम के अंदर लगाया जाएगा कि जो आपको अच्छा इंटरेस्ट दे, राइट। ऐसी स्कीम के अंदर लगाया जाएगा जो आपको अच्छा इंटरेस्ट दे, और ये कौन सी स्कीम के अंदर लगाना है वो आपसे भी पूछा जाएगा, राइट। तो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपकी सैलरी में से पर मंथ 10% सैलरी कट होके ये फंड के अंदर जमा होगी नेशनल पेंशन सिस्टम के, और वहाँ से फिर कोई स्कीम के अंदर उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर जब आप रिटायर हो गए तब यहाँ पे जितने भी पैसे इकट्ठे हुए होंगे उसमें से 60%, उसमें 60% आप एक साथ विड्रो कर पाओगे, और उसमें से 40% आप उसका एन्यूटी, एन्यूटी का मतलब क्या होता है, ईएमआई, एन्यूटी का मतलब क्या होता है, ईएमआई, हाँ, कि 40% का आपको पर मंथ पेंशन के तौर के ऊपर मिलेगा और 60% आप एक साथ विड्रो कर सकते हो रिटायरमेंट के टाइम, राइट। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि जब तक ये अमाउंट है तब तक आपको पेंशन मिलेगा, जब भी ये अमाउंट ख़त्म हो जाएगा तब आपका पेंशन बंद। उसमें क्या एडवांटेज था ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर, आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगा, आपका तो लाइफ लॉन्ग हुआ ही हुआ, आपके जाने के बाद आपके स्पाउस को भी लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगा, आधा पेंशन मिलेगा, राइट। तो ये नेशनल पेंशन सिस्टम कि जो गवर्नमेंट ने अब जो ओल्ड पेंशन स्कीम का गवर्नमेंट का जो डिसएडवांटेज था ना कि वो पूरा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा था, और उसने उसका ये सॉल्यूशन निकाला कि हम मंथली सैलरी एम्प्लॉय की कट करके इस फंड में डालें, उसको अच्छी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करके उसको ज़्यादा रिटर्न मिले, उस तरीके से उनको फिर पेंशन के टाइम रिटायरमेंट के टाइम दे देंगे, राइट। मतलब हमारा ही पैसा हमको दिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट के सिर के ऊपर से एक बहुत बड़ी पेंशन की लायबिलिटी इस स्कीम से हट गई। लेकिन बहुत जो मेनली जो कांग्रेस गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो ये स्कीम को हटाने की बात कर रहे हैं, राइट, कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम वापस चाहिए। तो रिसेंट न्यूज़ के अंदर ये था, इसलिए मैंने आपको दोनों स्कीम के बारे में बाइफर्केशन किया और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो बाकी मैंने पूरा लिखा है कि स्कीम क्या है, राइट, वगैरह, ओके, दोनों स्कीम, लेकिन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूज़, ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एनएफसी टेक्नोलॉजी। देखो, आजकल के हर एक स्मार्टफोन के अंदर हर एक स्मार्टफोन नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से इनेबल होता है। आप अपने स्मार्टफोन से एसी को ऑपरेट करते हो, टीवी को ऑपरेट करते हो, वो सब नियर फील्ड कम्युनिकेशन की ही देन है।
आप अपने डेबिट कार्ड से और बिना स्वाइप किए पैसा ट्रांसफ़र करते हो, वो भी नियर फील्ड कम्युनिकेशन ही की ही देन है, राइट। तो अभी रिसेंटली ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दो संस्था है गूगल और फाइन लैब, यस। गूगल का गूगल पे, राइट। और पाइन लैब का है पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, मतलब जो आप पेट्रोल पंप में ऊपर जाते हो तब आप जो मशीन के अंदर अपना कार्ड स्वाइप करते हो ना, उसको पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस बोला जाता है, राइट। तो पाइन लैब्स के द्वारा बहुत सारे पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस स्पॉन्सर किए गए हैं। तो यस, गूगल और पाइन लैब के द्वारा पार्टनरशिप किया गया है कि अभी नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, NFC टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अगर आपके पास गूगल पे है, ओके जी पे है, और आप अगर पाइन लैब के POS डिवाइस के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपको कार्ड स्वाइप करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपना फ़ोन को टैप कीजिए पाइन लैब के POS डिवाइस के ऊपर, आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, राइट। तो इस टेक्नोलॉजी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अभी रिसेंटली गूगल पे ने पाइन लैब के साथ पार्टनरशिप करके एक फ्यूचर को अनाउंस किया है, टैप टू पे फॉर द यूपीआई अनाउंस किया है गूगल पे के द्वारा। ऐसा फरवरी 2022 के अंदर एप्पल के द्वारा भी लॉन्च किया गया था टैप टू पे ऑन द आईफोन। और अभी गूगल पे और पाइन लैब के POS ने साथ में पार्टनरशिप करके नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप उसके जितने भी POS डिवाइसेस है पाइन लैब्स के, वहाँ पे गूगल पे के थ्रू आपका फ़ोन टैप करके जस्ट टैप करना है और आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर पाओगे, राइट। तो ये जस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि अभी रिसेंटली नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कौन सी दो कंपनीज ने पार्टनरशिप किया कि फॉर द टैप टू पे फॉर द UPI फीचर के लिए, गूगल पे और पाइन लैब ने। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, राइट। ओके, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और वाईफाई के बीच में क्या डिफरेंस है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना कुछ सेंटीमीटर्स तक ही वर्क करते हैं, यस। वाईफाई क्या है कि ज़्यादा डिस्टेंस तक वो काम करता है, लेकिन नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना कुछ सेंटीमीटर्स तक ही उसका नेटवर्किंग चलता है, राइट। और वो सभी जगह पे के कॉन्टेक्टलेस बैंकिंग कार्ड्स टू परफॉर्म द मनी ट्रांजेक्शन्स, राइट। फिर वो स्पीकर्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, हाउस होल्ड अप्लाइंसेस के भी अंदर भी प्रेजेंट्स होते हैं, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक AC के अंदर भी वो ये टेक्नोलॉजी प्रेजेंट होती है, NFC टेक्नोलॉजी, राइट, है ना। तो अभी वो हेल्थ केयर के अंदर भी एप्लीकेबल होने लगा है, वायरलेस चार्जिंग के अंदर भी वो एप्लीकेबल होने लगा है, राइट। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अभी धीरे धीरे बहुत एक्सपांड होने लगा है। जो भी चीज़ कि जो कम डिस्टेंस के ऊपर है वो रिमोटली ऑपरेट होता है, वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ही देन है, राइट। तो उसी का यूज़ करके गूगल पे ने पाइन लैब के साथ पार्टनरशिप करके ये फीचर को अनाउंस किया है, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं कि अभी आपको इस स्कीम के बारे में पता होगा, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो उस स्कीम के अंडर में जो अभी वेज रेट डिसाइड किया गया था ना वर्कर्स के लिए, हाँ, वो वेज रेट को रिवाइज़ किया गया है। अभी देखो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, सबसे पहले तो वो क्या है वो हम पहले बात करते हैं, यस, कि इट इज़ अ वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, यस। अभी तक का सबसे बड़ा वर्क गारंटी, अगर आप ये स्कीम के अंदर एम्प्लॉय एनरोल हुए हो तो आपको डेफिनेटली वर्क मिलेगा ही मिलेगा। और वर्क कितने दिन का मिलता है, 100 दिन का मिलता है, 100 दिन का गारंटेड वर्क मिलता है आपको अगर आप ये स्कीम के अंदर आप एनरोल हुए हैं तो, राइट। और एक बेनिफिट क्या है उसके अंदर कि ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। फॉर एग्जांपल, आप गांव के अंदर रहते हो, आप एलिजिबल हो ये स्कीम के अंदर एनरोल करने के लिए, आपने एनरोलमेंट किया, आपने बोला कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, और जब भी आपने एनरोल किया ना, आपको विथ इन 15 डेज आपको वर्क मिल जाएगा। और अगर वर्क नहीं मिलेगा 15 दिन के बाद भी, तो भी आप अनएम्प्लॉयड होने के बावजूद भी आपको सैलरी मिलेगा 100 डेज तक। तो ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है और डिसेंट्रलाइज स्कीम है, मतलब यहाँ पे जो वर्क अलोकेट किया जाता है ये स्कीम के अंदर, वर्कर्स को पैसा मिलता है
100 डेज का काम करने का, और उनको जो काम करना है वो काम का अलोकेशन है ना सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस मतलब ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर ही उनका वर्क का अलोकेशन होता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जो भाजपा ओरिएंटेड जो काम है वो उनको मतलब कम काम मिलेगा, जो कांग्रेस ओरिएंटेड काम है तो उनको ज़्यादा काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, जो वर्क का प्लानिंग है वो डिसेंट्रलाइज है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ही यहाँ पे वर्क का प्लानिंग करती है। तो ये दो मेन फीचर है उसके, राइट। और सभी वर्कर्स को जो वेज दिया जाता है वो मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंडर में दिया जाता है, और इस स्कीम के अंदर ऐसा मैंडेटरी है कि जितने भी वर्कर्स इसके अंदर एनरोल हुए हैं उसमें से 1/3 कौन होना चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। 1/3 क्या कौन होना चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, राइट। तो यस, और इस स्कीम के अंदर ही जो हर एक पीपल का जो लीगल राइट है टू वर्क वो यहाँ पे फुलफिल होता है, कि हर एक जो अनएम्प्लॉयड पर्सन को एटलीस्ट 100 दिन के तक तो काम मिल ही जाएगा, राइट। तो अभी तक उनको जितना ये स्कीम के अंदर जितने भी वर्कर्स थे उनको वेज रेट ऐसा फिक्स नहीं है कि वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, स्टेट वाइज अलग अलग होता है, लेकिन टोटल 34 स्टेट्स में से 31 स्टेट्स ने तो सैलरी इंक्रीमेंट किया है, वेज इंक्रीमेंट किया है। उसमें से 21 स्टेट्स ने 5% से कम बढ़ाया है और बाकी 10 स्टेट्स ने 5% से ज़्यादा बढ़ाया है, राइट। ओके, और जो टोटल 34 में से 31 ने इंक्रीज़ किया है ओवरऑल वेज रेट, जो 3 स्टेट ने वेज रेट इंक्रीज़ नहीं किया है वो कौन है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। देखो रिसेंट न्यूज़ इतनी है कि अभी जो मनरेगा के अंदर जो वेज रेट था ना वो रिवाइज़ किया गया, टोटल 34 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज हैं इंडिया के अंदर, उसमें से 31 स्टेट्स ने तो रेट बढ़ाए हैं, उसमें से 21 ने 5% से कम बढ़ाया है रेट और 10 ने 5% से ज़्यादा बढ़ाए हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा किसने बढ़ाए, गोवा ने, और सबसे कम किसने बढ़ाए, मेघालय ने, और किसने नहीं बढ़ाए, तो मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये तो 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन्होंने वेज रेट के अंदर कोई फेरफार नहीं किया, राइट। तो ये रिसेंट न्यूज़ थी। ओके, अभी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पता होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 आइडेंटिफाई किए थे यूएन के अंदर 2015 के अंदर। उसमें से ये मनरेगा की स्कीम अगर जो हम अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे इंडिया के अंदर, तो कौन कौन से गोल्स को कवर करने में, उसको फुलफिल करने में इंडिया को मदद मिलेगी, तो गोल नंबर 1 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 जीरो हंगर, सबको काम मिलेगा तो कोई पुअर नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, राइट। थर्ड है सबका मतलब हेल्थ एंड वेलबींग अच्छा रहेगा, क्वालिटी एजुकेशन, अगर कोई अच्छा कमाएगा तो वो अपनी चिल्ड्रन को अच्छे से एजुकेशन दे सकेगा, राइट। फिर जेंडर इक्वालिटी, यहाँ पे हमने पढ़ा कि 1/3 तो वुमेन को मिलना चाहिए, राइट। देन डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, सबका इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा, राइट। एंड यस, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये सभी जो वर्कर्स हो गए जो मनरेगा के अंदर वो मेनली है ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर ही एनरोल किए जाएंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, राइट। एंड इनइक्वालिटी कम होगी, राइट, क्योंकि उनके पास भी थोड़े बहुत पैसे होंगे, राइट। तो अगर हम मनरेगा को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे ना तो इतने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव करने में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मिलेगा, राइट। तो यस, ये न्यूज़ थी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स सेकी, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स सेकी, ये इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, नीति आयोग। हर साल स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, नीति आयोग। कि इट इज़ अ फर्स्ट इंडेक्स दैट एम्स टू ट्रैक द एफर्ट्स मेड बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज इन क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर। ये एक ट्रैकिंग सिस्टम है कि, और पहली बार ऐसा कोई इंडेक्स लॉन्च किया जाता है कोई संस्था के द्वारा, कि जो कि अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरेटरीज वो क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर के अंदर कैसा काम कर रहे हैं, राइट। और वो जैसे भी काम करते हैं उनको उसके हिसाब से फिर रैंक दिया जाएगा, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, राइट। ओके, व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ द सेकिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स है कि रैंकिंग द स्टेट्स के वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं कि क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर के ऊपर, मतलब एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। ओके, हेल्पिंग ड्राइव द एजेंडा ऑफ द अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एफिशिएंट एंड क्लीन एनर्जी कंडीशंस एट द स्टेट लेवल। और
इंक्रीजिंग द हेल्दी कॉम्पिटिशन। मैंने बोला ना कि ये इस सेकी ये इंडेक्स लॉन्च करने का नीति आयोग का मेन पर्पस है कॉम्पिटिशन क्रिएट करना स्टेट्स के बीच में, कि आज ये स्टेट ऊपर आया तो कल ये स्टेट ऊपर आएगा, राइट। हाँ ओके, और कौन से सेक्टर के अंदर आपको कॉम्पिटिशन करना है? क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर के अंदर, राइट ओके। तो ये नीति आयोग लॉन्च करता है ओके। कौन कौन से पैरामीटर्स सेट किए गए हैं टू इवोल्यूट द स्टेट्स और कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इन सेक्टर्स के अंदर? तो एक जो टोटल 6 पैरामीटर्स को यहाँ पे सेट किया गया है नीति आयोग के द्वारा, कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, राइट। एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी, कि हाँ अफोर्डेबिलिटी कितनी सिटीजन्स अफोर्ड कर पा रहे हैं कि रिंग एनर्जी को, और वो एनर्जी कितनी रिलायबल है, बराबर ओके। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स कौन सा स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से ले रहा है उसके ऊपर एक पैरामीटर सेट किया गया है। एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है स्टेट के अंदर, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कितनी है स्टेट्स के अंदर, और कोई भी स्टेट न्यू कितने न्यू इनिशिएटिव्स ले रहा है ये अपने क्लाइमेट के अंदर अपना परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो ये 6 पैरामीटर्स है जिसके ऊपर यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है सेकी के अंडर नीति आयोग के द्वारा, राइट। और टोटल 3 ग्रुप यहाँ पे बनाए गए हैं, फ्रंट रनर जो मतलब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो फ्रंट रनर, जो मीडियम परफॉर्म करता है उसको अचीवर बोला जाएगा, और जो बहुत पीछे है मतलब वो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द एनर्जी एंड द क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज, तो उसको बोला जाएगा एस्पिरेंट, राइट ओके। जैसे आप अभी एस्पिरेंट हो, आप जब एग्ज़ाम क्रैप करोगे तो आप अचीवर बनोगे, और जब आप प्रमोशन लेके आगे जाओगे तो आप फ्रंट रनर बनोगे। वहाँ पे भी 3 कैटेगरी है, यहाँ पे भी 3 कैटेगरी है, राइट। तो ये सेकी के अकॉर्डिंग टॉप परफॉर्मर कौन है? गुजरात, केरला एंड पंजाब हैव बीन एडजस्ट एज अ टॉप 3 परफॉर्मर स्टेट इन द नीति आयोग सेकी। द टॉप 3 परफॉर्मर्स अमंग द स्मॉलर स्टेट्स कौन कौन है? गोवा, त्रिपुरा एंड मणिपुर। और अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस किसका है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड झारखंड, वो उनका परफॉर्मेंस है अनसेटिस्फैक्टरी, राइट। तो इस सेकी का पूरा रिपोर्ट था ओके yes. और कि नीड क्या है रिपोर्ट की, कि इंडिया वो एक रिसोर्स रिच एंड डाइवर्स कंट्री है, अगर हम उस रिसोर्स का अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो सभी स्टेट को बस यस, जब तक कोई कंपटीशन क्रिएट नहीं होता ना आपके ऊपर भी, जब तक कोई एग्ज़ाम नहीं आएगा तब तक आप पढ़ोगे नहीं, उसी तरह जब तक कोई कंपटीशन नहीं होता ना तब तक आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं दिखा सकते, राइट। तो इसके लिए इस सेकी का लॉन्च करने का नीति आयोग की मतलब एक मेन पर्पस ये है कि जो हमारे पास हम जो रिसोर्स रिच कंट्री है लेकिन हम उसको अच्छी तरीके से यूज़ नहीं करें तो हम उसको अच्छी तरीके से यूज़ करें, राइट। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो जो COP26 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो के अंदर, जो इस साल मतलब 2021 के अंदर हुआ था, देखो ये पेरिस एग्रीमेंट आपने बहुत सुना होगा। पेरिस एग्रीमेंट भी एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था जो 21 नंबर का था, जो 2015 के अंदर हुआ था, उसी के अंदर एनवायरनमेंट के रिलेटेड बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस एस्टेब्लिश हुए थे, और उसी तरह का ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो ग्लासगो के यूके के अंदर हुआ था इस साल, तब इंडिया ने कुछ टारगेट सेट किए हैं, टोटल 5 टारगेट सेट किए उसके लिए। उस 5 टारगेट को इंडिया के द्वारा पंचामृत नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पंचामृत, राइट। तो पहला टारगेट ये है कि इंडिया विल रीच इट्स नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कब 500 गीगावाट बाय 2030। अभी नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी क्या होती है? जो कि जो फॉसिल फ्यूल में से ना मिले, जो इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल मतलब कि जिसका एमिशन होता है, जिसका हाँ तो नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब कि जो एमिट नहीं होता, जिसका कार्बन एमिशन नहीं क्रिएट करता, राइट। तो इंडिया विल रीच द नॉन फॉसिल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कितनी होगी? 500 गीगावाट बाय 2030 ओके। इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 के 2030 तक अभी जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट, उसमें से 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे, इंडिया ने वो टारगेट बनाया है, राइट ओके। इंडिया विल रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम द नाउ ऑनवर्ड्स टिल 2030 के इंडिया ने एक और टारगेट बनाया है कि 2030 तक अभी वो जितना भी कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करता है उसमें से 1 बिलियन टन कम करेगा 2030 तक ओके। और हाँ, क्या जो कार्बन इंटेंसिटी है हमारी इकोनॉमी के अंदर वो कितनी हो जाएगी 2030 तक? लेस देन 45%। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट कि इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिटेड कंट्री बनेगा कब?
2070 के अंदर, 2070 के अंदर नेट जीरो कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करेगा इंडिया। नेट जीरो मतलब जितना कार्बन हम प्रोड्यूस करते हैं उतना कार्बन हम एटमॉस्फेयर के अंदर से एब्जॉर्ब करेंगे बाय यूज़ ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी एक्ट, नॉन फॉसिल टेक्नोलॉजीज वगैरह वगैरह। तो इंडिया ने टारगेट बनाया कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये पांच टारगेट, जिसमें से बहुत सारे टारगेट 2030 तक आपको अचीव करने हैं, चार तो 2030 तक आपको अचीव करने हैं और एक पाँचवा है 2070 तक आपको अचीव करना है। तो पंचामृत ये जो टारगेट है वो COP26 के अंदर ये इंडिया के द्वारा सेट किए गए हैं, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अभी रिसेंटली स्वनिधि से समृद्धि स्कीम लॉन्च की गई है। स्वनिधि से समृद्धि स्कीम, स्वनिधि के बारे में फ्रेंड्स आपने सुना होगा। स्वनिधि के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, फिर उसके बाद हम स्वनिधि समृद्धि स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज स्वनिधि स्कीम? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जो स्वनिधि का फुल फॉर्म है PM स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, वो कब लॉन्च किया गया था? 2020 के अंदर, राइट, एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान, राइट। कि उसके अंदर क्या अनाउंस किया गया था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो थैले लेके जो लारी के अंदर जो अपने चीज़ों को बेचते हैं ना, तो जब कोविड आया था तब उन लोगों का बिजनेस भी मतलब एकदम ठप हो गया था, राइट। और वो तो डेली वेजेस वाले होते हैं, मतलब जो एक दिन का कमाए और एक दिन में खाना, राइट। तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये स्कीम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि लॉन्च की गई थी 2020 के अंदर जब कोविड आया था तब, राइट। इस स्कीम के अंडर में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको 10,000 रुपीज़ की लोन, कितनी? 10,000 रुपीज़ की लोन दी जाती थी 12 महीने के लिए, मतलब एक साल के लिए, ओके। और अगर आपने वो लोन का अच्छे तरीके से रीपेमेंट किया और तो आपको जितना भी इंटरेस्ट लगाया जाता था, वो बैंक वाइज अलग अलग था, उसमें 7% इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब 7% फॉर एग्जांपल बैंक के द्वारा 10% इंटरेस्ट लिया जाता था, राइट। तो उसमें 7% कट होके मतलब 3% ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। और अगर आपने कैशलेस रीपेमेंट किया तो आपको 1200 रुपीज़ और इंसेंटिव दिया जाएगा, 1200 रुपीज़ का। तो ये पूरी स्कीम थी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, राइट। तो अभी वो स्कीम 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी कोरोना के टाइम पे, और बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स ने इस स्कीम के अंदर एनरोलमेंट किया है। तो अभी गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा डेटाबेस हो गया है कि हमारे कंट्री के अंदर कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, राइट। तो गवर्नमेंट ने अभी उसके ऊपर से एक स्कीम लॉन्च की, स्वनिधि से समृद्धि स्कीम। ये स्कीम क्या है कि ये जो स्वनिधि के अंदर जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स एनरोल हुए हैं, जो अभी गवर्नमेंट के पास उनका डेटा आ गया है, उनको जितने भी बिलो द पोअर लाइन जो स्कीम्स हैं, लाइक प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राइट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये बहुत अलग अलग, हाँ देख, ये जीवन ज्योति बीमा योजना इंश्योरेंस सेक्टर का स्कीम है, जनधन योजना जो हर एक लोगों का अकाउंट होना चाहिए बैंक के अंदर वो स्कीम है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं उनको पेंशन की स्कीम है, मतलब ये जितने भी बिलो द पोअर लाइन के लिए जो स्कीम है उनके अंदर उनका बाय डिफॉल्ट एनरोलमेंट हो जाएगा। उनको हर एक स्कीम के अंदर एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है, कि स्वनिधि के अंदर जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स एनरोल हुए थे उनका बाय डिफॉल्ट बाकी की जितने भी गवर्नमेंट की जो बिलो द पोअर लाइन के लिए जो स्कीम्स हैं उनके अंदर बाय डिफॉल्ट एनरोलमेंट हो जाएगा। तो ये स्कीम का नाम क्या रखा है? स्वनिधि से समृद्धि स्कीम, राइट, ओके। तो और उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा ये पूरी स्कीम को इंडिया के अंदर? क्वालिटी काउंसिल ऑफ द इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ द इंडिया के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, राइट, ओके। तो ये मैंने पूरा कौन कौन से स्कीम के अंदर एनरोलमेंट किया जाएगा बाय डिफॉल्ट उसके बारे में दिखाया है, कौन इंप्लीमेंट करेगा और ये किसकी स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है। स्वनिधि भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम थी और स्वनिधि से समृद्धि भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है, राइट, ओके। अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो ये स्कीम के जो अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स की बात करें तो मैंने देखा कहा ना आपको कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की वजह से एक बहुत बड़ा डेटाबेस क्रिएट हो गया है कि इंडिया के अंदर कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो 60 लाख के आसपास इंडिया के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनका डेटाबेस हमारे पास आ गया है। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा
कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स का डेटा हमारे पास है उनको बाय डिफॉल्ट बाय बिलो द पोवर लाइन स्कीम्स का बेनिफिट मिल सके, राइट। यस, उसके फीचर्स के बारे में कि ये 10,000 रुपीज़ का लोन मिलेगा 1 साल के लिए, और अगर आप अच्छी तरीके से रीपेमेंट करोगे तो आपको 7% इंटरेस्ट सबमिशन मिलेगा, और आप कैशलेस रीपेमेंट करते हो तो 1,200 रुपये का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, राइट। तो ये पूरा प्रधानमंत्री स्टीपेंदर आत्मनिर्भर निधि का पूरा स्कीम के बारे में आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। ओके चलो, अब की नेक्स्ट न्यूज़ है कि कार्डलेस कैश विड्रॉल्स एट द एटीएम्स। देखो अभी ये फीचर बहुत सारे बैंक के द्वारा बहुत सारे पर्टिकुलर एटीएम्स के ऊपर चल रहा है कि आप कार्डलेस कैश विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन आरबीआई के द्वारा ऑथेंटिकली, वो भी ऑथेंटिकली था कि, लेकिन आरबीआई के द्वारा अभी अनाउंस किया गया है कि कार्डलेस कैश विड्रॉल्स एट द एटीएम अक्रॉस द कंट्री अभी इनेबल होगा, कि आप यूपीआई के माध्यम से आप एटीएम्स के अंदर से पैसा विड्रॉ कर पाओगे, लेकिन अभी वहाँ पे भी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, राइट। कि यूपीआई के माध्यम से आप एटीएम के अंदर से भी पैसा विड्रॉ कर पाओगे अभी अक्रॉस द कंट्री। अभी तक क्या है कि कुछ कुछ बैंक के द्वारा कुछ कुछ एटीएम के ऊपर ये फैसिलिटी थी, लेकिन अभी अक्रॉस द कंट्री ये फैसिलिटी अभी अवेल की गई है, आरबीआई ने वो अनाउंस किया है, राइट। तो इसकी मदद से क्या होगा कि जो कार्ड स्कीमिंग और जो कार्ड क्लोनिंग का जो अभी तक का प्रॉब्लम था कि बहुत सारी जगह पे एटीएम के अंदर कार्ड स्वाइप करने में क्या है कि कार्ड का डेटा चोरी हो जाता था, राइट। कार्ड की डेटा चोरी करके वो लोग डुप्लीकेट कार्ड बना देते थे, राइट, हैकर्स जो। तो ये सब जो कार्ड रिलेटेड जो डिसएडवांटेज था वो दूर हो जाएगा, राइट। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है इस फीचर का कि अभी सभी ट्रांजेक्शन्स मोबाइल सेंट्रिक हो गए, राइट। मतलब पूरी बैंक एक मोबाइल बन गया है, राइट। देन तो मतलब अभी मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो मोबाइल की सिक्योरिटी भी अभी धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, राइट, है ना। तो जस्ट एक सिंपल न्यूज़ कि कार्डलेस कैश विड्रॉल अभी आरबीआई ने पूरे कंट्री के अंदर इनेबल कर दिया है कि आप यूपीआई के माध्यम से आप एटीएम के ऊपर से भी कैश विड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हाट इज़ कार्ड स्कीमिंग एंड व्हाट इज़ कार्ड क्लोनिंग। कि क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग और स्कीमिंग इज़ अ इलीगल एक्ट ऑफ मेकिंग द अनऑथोराइज कॉपीज ऑफ द क्रेडिट और डेबिट कार्ड। तो आप अनऑथोराइज कॉपी करते हो ना क्रेडिट और डेबिट कार्ड की, वो कार्ड स्कीमिंग और क्लोनिंग है। दिस इनेबल्स क्रिमिनल्स टू यूज देम फॉर द पेमेंट्स, इफेक्टिवली स्टीलिंग द कार्ड होल्डर्स मनी और पुटिंग द कार्ड होल्डर इन द डेब्ट, राइट। तो ये पूरा जो प्रोसेस है कि जो एक कॉपी बनाना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की, उसको कार्ड स्कीमिंग और कार्ड क्लोनिंग कहा जाता है, राइट। तो ये कार्डलेस एटीएम विड्रो से ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा, राइट। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम के बारे में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर और जो भी स्कूल ने इस स्कीम के अंदर में एनरोल किया है, वो सभी स्कूल के अंदर दोपहर का खाना, कोई जगह पे ब्रेकफास्ट, कोई जगह पे ब्रंच, राइट, कोई जगह पे मिल्क दिया जाता है। और अभी एक नई चीज़ ऐड की गई है मिड डे मील स्कीम के अंदर, एग। और कर्नाटका इज सेट टू प्रोवाइड द एग्स अंडर द मिड डे मील स्कीम, राइट, फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, राइट। एंड मिड डे मील स्कीम इज अमंग द लार्जेस्ट इनिशिएटिव्स इन द वर्ल्ड टू इन्हेंस द न्यूट्रिशन लेवल्स ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थ्रू द हॉट कुक मील्स, राइट। दिस आर अमंग द लार्जेस्ट इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड, कि जो न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, राइट। एंड इंक्लूजन ऑफ द एग्स हैज़ ऑफन बीन कॉन्ट्रावर्सियल। अभी तक एग्स का जो इंक्लूजन है वो अभी भी कॉन्ट्रावर्सियल है, लेकिन कर्नाटका बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द एग्स इन द मिड डे मील स्कीम, राइट। एंड मिड डे मील स्कीम की बात करें कि दिस आर लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम ऑफ द काइंड इन द वर्ल्ड, कवरिंग द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द गवर्नमेंट स्कूल्स फ्रॉम क्लास 1 to 8। 1 से 8 के क्लासेस के स्टूडेंट्स को यहाँ पे कवर किया जाता है मिड डे मील स्कीम के अंदर में। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इन्हेंस द एनरोलमेंट इन द स्कूल्स। देखो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यूट्रिशन तो है ही, लेकिन टू इन्हेंस द एनरोलमेंट इन द स्कूल्स, क्योंकि बहुत जगह ऐसी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनके पेरेंट्स के पास उनको खाने के लिए, खिलाने के लिए पैसा नहीं है। तो पेरेंट्स क्या है कि ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को रखे कि जहाँ पे उनका दोपहर का खाना भी कंप्लीट हो जाए, राइट।
और उसकी नोडल मिनिस्ट्री ये स्कीम को इंप्लीमेंट करना करने वाली कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। और बैकग्राउंड, द प्रोग्राम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, ये जो मिड डे मील स्कीम का जो प्रोग्राम है वो पहली बार 1925 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट, जो मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, एंड यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उसको एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अमाउंट, कुछ पैसा यहाँ पे जितना भी खर्चा होगा स्कीम के पीछे उसमें कुछ अमाउंट सेंट्रल के द्वारा दिया जाएगा, उसको बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। वो कब घोषित किया, 1995 के अंदर, और तब तब जब वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पहली बार बना ये स्कीम, तब वो क्लास 1 to 5 के लिए स्टूडेंट्स के लिए था। फिर 2007 के अंदर उसको एक्सटेंड किया गया क्लास 8 के स्टूडेंट्स तक, राइट। तो ये पूरा डिटेल है मिड डे मील स्कीम के अंदर में, राइट, ओके। और थोड़ा सा बात करें कि अभी तक द करंट वर्जन ऑफ द प्रोग्राम, जो मिड डे मील स्कीम का जो करंट वर्जन है उसको मिड डे मील स्कीम नहीं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और पीएम पोषण, उसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण रखा गया है। 2021 के अंदर मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण रखा गया है, पीएम पोषण रखा गया है, राइट। और द स्कीम कवर्स 11.80 करोड़ चिल्ड्रन अक्रॉस क्लासेस 1 to 8 ऑफ एज ग्रुप 6 to 14। और लीगल एंटरटेनमेंट की बात करें, इट इज़ नॉट अ जस्ट अ स्कीम बट अ लीगल एंटरटेनमेंट ऑफ द ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन प्राइमरी एंड द अपर प्राइमरी क्लासेस थ्रू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राइट। कि इट इज़ नॉट अ स्कीम जस्ट, बराबर ना, कि यहाँ पे जितने भी स्कूल्स के जो बच्चे को इस स्कीम के अंदर जो खाना दिया जाता है वो सभी स्कूल के बच्चे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर में कवर होते हैं, राइट, यस। कि इस स्कीम के अंदर पैसे का डिवीज़न कैसे किया गया है, कि खर्चा जो स्कीम का है वो किस तरीके से बाइफरकेट होगा, तो उसके बारे में हम पहले देखते हैं। कि देखो, गवर्नमेंट ने 3 रेशियो निकाले हैं, 60-40, बराबर, 90-10 और 100-0, राइट। 60-40 के अंदर 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, हाँ। 90-10 के अंदर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, राइट, उत्तराखंड, ओके। 100% के अंदर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, और 0% है यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, अभी ये क्या होता है कि यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर का मतलब क्या, राइट। देखो, सबसे पहले तो यूनियन टेरिटरीज तो आपको पता है, और उसमें विथ लेजिस्लेचर और विदाउट लेजिस्लेचर, जो भी यूनियन टेरिटरीज के अंदर सीएम की पोस्ट होती है वो यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर कहलाई जाती है, और जो भी यूनियन टेरिटरीज के अंदर सीएम की पोस्ट नहीं होती है वो यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर माना जाता है, राइट। तो देखो, बाइफरकेशन कैसे होता है पूरी स्कीम के अंदर, अगर आपका स्टेट नॉर्मल स्टेट है और आप नॉर्मल यूनियन टेरिटरीज है, तो ये पूरी स्कीम के अंदर जितना भी खर्चा होगा उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% आपको देना है स्टेट गवर्नमेंट को। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो और उत्तराखंड हो, बराबर, तो आप जितना भी खर्चा होगा स्कीम के पीछे उसमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% आपको देना है। और अगर आप यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, कितनी है यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर हमारे इंडिया के अंदर, सभी यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर है, जस्ट खाली दिल्ली और पुडुचेरी जहाँ पे सीएम की पोस्ट है वो विथ लेजिस्लेचर है, राइट। तो वो सभी यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको कोई पैसा देना नहीं है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, राइट। तो ये बाइफरकेशन बहुत एग्जाम के अंदर आता है, तो आपको जानना पड़ेगा। और ये मिड डे मील स्कीम के अंदर कौन कौन से वीट जो ग्रेन्स है वो कितने अमाउंट में दिए जाते हैं, ये पूरा डिटेल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, वो आपको जस्ट एक बार पढ़ लेना है, ओके। तो फ्रेंड्स, आपको आज की न्यूज़ समझ में आई होगी, है ना। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ओके।